सबसे पहले जो है हमारे जो दर्शक देखेंगे, ये जो पानी में जो महिलाएं जाते हैं इसका महत्वपूर्ण क्या होता है? इसका महत्व यह है कि इन्होंने ऐसी मन्नत मांग रखती होती है कि मतलब जो पूरी होती है, और इनका पूरा वो रहता है कि हम छठ पूजा में पानी के अंदर ही इसको अर्घ दें सूर्य भगवान का। लोग सूर्य उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, और पर इस पर्व में उगते सूरज और डूबते सूरज दोनों की पूजा होती है, और इतना महत्वपूर्ण पूजा है कि मतलब पूर्वांचल समाज के लोग इसको ऐसे धूमधाम से मनाया जाता है इसको, कि मतलब समझ लो कि अगर साल भर कमाए तो इसमें पूरा लगा देते हैं, जितना हो सकता है, जितना अच्छे से अच्छा। और इसको आप देख सकते हैं कैसे तत्परता से खड़ी है, किसी को कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, और हम लोग आप देख सकते हैं कि कैसे लोग तत्परता से खड़े हैं। और ये छठ पूजा आयोजन समिति जो है इनकी पूरी व्यवस्था करने का पूरा तत्पर ख्याल रखती है, और सब पूरी व्यवस्था वैकल्पिक नहर बनाई जाती है जिसमें बहुत ही खर्चा आ जाता है, लेकिन फिर भी हम अपने तन मन धन से जितना हो सकता है इनकी पूरी सेवा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना अच्छा पर्व है। इनका आशीर्वाद अगर किसी को मिल जाए तो वो तर जाता है। ये माना जाता है कि छठी मैया का जिसने आशीर्वाद ले लिया, जिसने इसकी पूजा कर ली। मैं जो है अपने सहयोगी से चाहूँगा कि दिखाएं किस प्रकार से जो है महिलाएं पानी के अंदर, देखिए आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर इस टाइम जो है सूर्य भगवान की पूजा कर रही है, सूर्य भगवान को मना रही हैं। इनसे जो भी कुछ मांगा गया, जिसने भी मांगा, दिल से मांगा, उसको अवश्य मिला है। इसके एग्जाम्पल अनेक अनेक हैं, लाखों हैं, संघ महासंघ में इसकी कोई गिनती नहीं है। जिसने दिल से पूजा छठी मैया को, उन निसंतान दंपत्ति जो हैं अधिकतर इसकी पूजा करते हैं, कोसी भरते हैं, लोगों को बुला करके गीत गाओ नहीं कराते हैं, मतलब हर एक चीज़ों से करके कोसी भरी जाती है। भरने के बाद जब उनकी मन की मुरादें पूरी होती हैं तो कोसी भरती हैं, 10 औरतों को बुलाती हैं, गाना गवाती हैं, गीत गवाती हैं। छठ पूजा आयोजन समिति के सभी सदस्यगण और सम्मानित क्षेत्र के उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर।